दोस्तों मनरेगा अमृतसर भर्ती ले जो लिखती पेपर होना जी उन्होंने लेके बहुत ही जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। दोस्तों जानकारी पूरी डिटेल से देंगा, कृपा करके वीडियो में लास्ट तक जरूर देखियो। दोस्तों जेकर तुम मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करने बेल आइकन प्रेस करके छोड़ दियो जी। दोस्तों पंजाब स्टेट में जो भी कोई निक्की मोटी भर्ती आए उसकी जानकारी सब तो पहले सो मिल सके। दोस्तों वीडियो चंगा लगे लाइक शेयर जरूर करो जी। चलो दोस्तों वीडियो शुरू कर दें। दोस्तों अगर नोटिफिकेशन जारी किया गया जी, दफ्तर वधीक डिप्टी कमिश्नर कम वधीक जिला प्रोग्राम कोआर्डीनेटर मनरेगा वालों नोटिफिकेशन जारी करता गया जी। मनरेगा स्कीम अधीन ग्राम रोजगार सेवकों के योग उम्मीदवारों का लिखती टेस्ट संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। मनरेगा स्कीम अधीन ठेके से रखे जाने वाले ग्राम रोजगार सेवकों के योग उम्मीदवारों की लिस्ट इन्हों की ऑफिशियली वैबसाइट के उपर अपलोड करती गई है जी और इन्हों रोल नंबर भी जनरेट करते गए हैं जी। तुम इन्हों ऑफिशियली वैबसाइट पर जाके अपनी लिस्ट वगैरह चैक कर सकते हैं। दोस्तों इन संबंधी कुछ जरूरी हदायत मैनशन की गई ने जी। नंबर एक जी, जो योग उम्मीदवार ने जी उन्होंने लिखती टैसट 7/11/2021 11 बजे तो लेकर 11:30 बजे तक होगा जी। इस संबंधी योग उम्मीदवार 11/2021 तो 3/11/2021 तक 9 बजे तो लैके 5 बजे तक दफ्तर वधीक डिप्टी कमिश्नर जिला परिषद कॉम्पलैक्स विखे जिला परिषद हाल विखे एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जी। उम्मीदवार वालों अपने पहचान पत्र दो फोटो लैके हाजिर होना जरूरी होगा जी तो अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। बिना एडमिट कार्ड तो सेंटर में बैठन की इजाजत नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार का लिखती टेस्ट दो सेंटर में होगा जी। नंबर एक है जी सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल लड़कियां माल रोड अमृतसर और सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल शरहेटा अमृतसर विखे लिया जाएगा जी। रोल नंबर 10001 तो लैके 10696 तक दे उम्मीदवार सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल लड़कियां माल रोड अमृतसर विखे होगा जी। 10697 तो लैके 11174 तक के जिन्हें भी उम्मीदवार ने जी उन्हों का टैसट सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल शरहेटा अमृतसर विखे लिया जाएगा। इस तो अलावा लिखती टैसट संबंधी जरूरी जानकारी और शर्त एडमिट कार्ड के उपर दर्शाई जाएगियाँ। दोस्तों यह छोटा जहा अपडेट, उम्मीद करता मेरे द्वारा चंगी लगी वीडियो देखने, बहुत बहुत धन्यवाद।